close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन वेजिटेबल चाउमीन, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ डालने लगी हूँ जो कि वो आप लोग अभी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम चिकन को फ्राई कर लेंगे, और चिकन मैंने देखें किस तरह कटिंग किया है, लंबे शेप में, गोल शेप में नहीं करते हैं स्पैगेटी और चाउमीन में, लंबे लंबे इस तरह से ही कटिंग करनी है। तो यहाँ पर चिकन को फ्राई कर लिया मैंने। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि इसको हम स्मेल चिकन की ख़त्म करेंगे और हम फ्राई करेंगे लहसुन अदरक में, बहुत ही मज़ेदार एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसका। तो जी चलें स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम डालेंगे वेजिटेबल्स, जिसमें हम ऐड कर रहे हैं शिमला मिर्च, गाजर एंड गोभी। तो ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, और अभी मैं सिर्फ ऐड करूँगी शिमला मिर्च और गाजर, इनको जब तक हम सोते करेंगे, नरम करेंगे। उसके बाद हम करेंगे गोभी को फ्राई इसके साथ। जब तक हम गाजर और शिमला को फ्राई करते हैं, तो इतने में मैं दूसरे चूल्हे के ऊपर रखूँगी स्पैगेटीज़ को बॉयल करने। बॉयल करने के लिए मैंने सिंपल पानी लिया है, उसमें नमक डाला है, ऑयल डाला, उसके बाद मैंने इसके अंदर स्टिक्स को ऐसे ही ऐड कर दिया विदाउट तोड़े। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे अब गोभी को, और गोभी हम सारी ऐड कर देंगे, और इसके साथ ही अब इन दोनों तीनों चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे। अच्छा, ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा कच्चा कच्चा रखना है, और बिल्कुल हलवा कर देंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, तो आपने थोड़ा सा कच्चा कच्चा रखना है। और यहाँ पर जब तक हम फ्राई करते हैं, इसके बाद आपको मैं बताती हूँ उसमें क्या स्पेशल चीज़ डलेगी, वो ये है मामा सीटास। और ये इतनी कोई मज़ेदार चीज़ है ना, आप लोगों को मैं इसके बारे में बताती हूँ आगे चल के। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, और साथ में सॉल्ट, नमक, और बस इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल सी बनेगी, बहुत मज़ेदार। इसमें मैंने ऐड किया है वाइट पेपर 1 टेबल स्पून, साथ ही चिकन पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर आप अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर तकरीबन कर दिया है, और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें मैं ऑयस्टर सॉस ऐड कर रही हूँ, जो कि मामा सीटास की है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। 2 से 3 चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। अच्छा, इसके बारे में बताऊँ, इतनी कोई मज़ेदार ये सॉस है, इसकी थोड़ी सी कॉस्टली है लेकिन बहुत मज़ेदार है। इसमें स्मोक फ्लेवर है, और बाहर रेस्टोरेंट में जो चाउमीन मिलती है बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ जो है ना, वैसे ही सेम टेस्ट होगा इसका। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का फ्लेवर है इसका। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई की है, तो ये सीक्रेट होता है रेस्टोरेंट वालों का, जो कि वो लोग ऐड करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर फोक के ज़रिए जो है ना, इसको मिक्स करेंगे। रेडी है यहाँ पर बहुत